आप देख रहे हैं खबर दर खबर। नमस्कार, मैं तलिका पांडे एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने खास प्रोग्राम खबर दर खबर को लेकर। आज के हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे त्योहारी सीजन से पहले देश के मशहूर ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने अपने प्रमोशन के लिए नया विज्ञापन जारी किया, लेकिन वीडियो सामने आते ही लोगों ने ट्विटर पर तनिष्क को ट्रोल करना शुरू कर दिया। आइए इसके पीछे का कारण जानने से पहले आपको बता देते हैं पूरे दिन की कुछ सुर्खियाँ। सीपीआई के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने बेगूसराय से किया चुनाव प्रचार का आगाज, कहा अब सीएम को ही हैक कर लेती है बीजेपी। बिहार चुनाव से अभी तक दूर चल रहे सीपीआई के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार भी अब मैदान में उतर आए हैं। कन्हैया ने अपने गृह जिला बेगूसराय से चुनावी अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान कन्हैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कन्हैया कुमार कह रहे हैं, ज़्यादा देशद्रोही बोलोगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। कन्हैया कुमार सोमवार को बेगूसराय जिला के बखरी विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान और तेगड़ा से उम्मीदवार रामरतन सिंह के नामांकन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। नामांकन के बाद कन्हैया कुमार ने आयोजित चुनावी सभा में बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले ईवीएम हैक होता था, अब बीजेपी के लोग सीएम को ही हैक कर लेते हैं। देश में हुआ कि नहीं हुआ है? ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत खराब आदमी थे, कब तक? जब तक वो कांग्रेस में थे, और वो गंगा में डुबकी लगा लिए जब से भाजपा ही हो गए हैं। हम तो बोले थे एक जगह कि जाते अगर ये सब भाजपा वाला हमको कहेगा देशद्रोही देशद्रोही, तो कहेंगे ए खबरदार, बेसी देशद्रोही देशद्रोही बोलेगे तो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। तुरते जिसको ये लोग गाली देते हैं, 5 मिनट के बाद उसको मौसा कहना शुरू कर देते हैं। यही हो रहा है ना। बॉलीवुड के 34 नामी निर्माताओं ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी, अर्णब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी के प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ, राहुल शिवशंकर और नविका कुमार के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था। कंगना रनौत ने मामला के दर्ज होने के बाद लगातार एक के बाद एक ट्वीट किया। कंगना ने लिखा, बॉलीवुड जो ड्रग्स, शोषण, नेपोटिज्म, जिहाद का गटर है, बजाय इसे साफ करने के बॉलीवुड स्ट्राइक्स बैक जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो कहती हूँ कि मुझ पर भी केस कर दो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं तो बोलती ही रहूँगी, असलियत सामने लाती रहूँगी। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच कोविड-19 वैक्सीन को लेकर करोड़ों भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को बताया कि भारत में कोविड-19 के लिए टीका साल 2021 की शुरुआत तक आने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, फिलहाल विशेषज्ञ योजना बनाने में लगे हैं कि वैक्सीन का वितरण देश भर में किस तरह किया जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आज मंगलवार को अदालत में सुनवाई दोपहर में शुरू हो गई। याचिका के एडमिट होने पर मंगलवार दोपहर बाद तक फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही थी। जिला कोर्ट तय करेगी कि केस सिविल कोर्ट या वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में चलेगा। वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई को लेकर सुबह से ही काफी भीड़ इकट्ठा थी। परिसर में दोपहर में सुनवाई शुरू होने तक काफी गहमागहमी बनी रही। हालांकि दोपहर बाद इस मामले में अगली तिथि 15 अक्टूबर की दे दी गई। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मामले में पक्षकार उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता की ओर से दाखिल विलंब माफी के प्रार्थना पत्र को जिला जज उपेंद्र शर्मा की अदालत ने ₹3,000 जुर्माना के साथ मंजूर कर लिया था। अदालत ने एक सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा करने का आदेश देते हुए निगरानी याचिका पर सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि नियत की थी।
अजरबैजान ने दावा किया कि उसने करीब दो हफ्ते की लड़ाई के बाद अर्मेनिया के कब्जे वाले विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख स्थित हादरूत शहर को आज़ाद कर लिया है। हाल ही में इस विवादित क्षेत्र से रिपोर्टिंग करने वाले कुछ पत्रकारों का कहना है कि अजरबैजान के इस दावे के बावजूद शहर का कुछ भाग अभी भी बाकू के नियंत्रण में नहीं है। तो ये थी कुछ पूरे दिन की सुर्खियां। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर लोग तनिष्क को बॉयकॉट करने की बात क्यों कर रहे हैं। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपने पन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार के रोते जाएंगे। दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना? एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। मशहूर ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क अपने नए विज्ञापन के चलते विवाद में है। ब्रांड को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से लोगों के गुस्सा का शिकार होना पड़ रहा है। दरअसल फेस्टिव सीजन करीब है, ऐसे में तनिष्क ने अपने प्रमोशन के लिए नया विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन का प्लॉट इंटरकास्ट मैरिज पर आधारित है। विज्ञापन में एक हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी दिखाई गई है। इसके बाद ट्विटर पर तनिष्क को ट्रोल करना जारी है। ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट तनिष्क के साथ ज्वेलरी ब्रांड का विरोध किया जा रहा है। इस संबंध में भास्कर ने तनिष्क से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद तनिष्क ने वीडियो को YouTube चैनल से हटा दिया है। क्या है इस विज्ञापन में? तनिष्क के इस प्रमोशनल एड में एक हिंदू लड़की को मुस्लिम फैमिली की बहू के रूप में दिखाया गया है। हिंदू लड़की की मुस्लिम के घर में शादी हुई है और उसकी गोद भराई यानी बेबी शावर के फंक्शन को दिखाया गया है। इसमें हिंदू कल्चर को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम फैमिली सभी तरह के रस्म और रिवाज हिंदू धर्म के हिसाब से करती है। विज्ञापन के अंत में वो प्रेग्नेंट महिला अपनी सास से पूछती है, माँ ये रस्म तो आपके घर में होती भी नहीं है ना? इस पर उसकी सास जवाब देती है, पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है। वीडियो में हिंदू मुस्लिम परिवार को एकजुट दिखाने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया पर भी ये विज्ञापन बहस का मुद्दा बन गया है और लोग इसके बारे में कई तरह की बात कर रहे हैं। कोई इसे लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बता रहा है, तो कोई एंटी हिंदू लोगों का कहना है कि किसी भी धर्म या जाति के बिना कोई विज्ञापन तैयार क्यों नहीं किया जाता, क्यों जाति धर्म को सामने लाना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, एक यूज़र ने लिखा कि आखिर हम हर जगह एक हिंदू बहू को क्यों दिखाते, क्यों मुस्लिम बहू कहीं दिखाई नहीं जाती है। वहीं एकत्वम के नाम से तैयार किए गए इस विज्ञापन पर आपत्ति जताते हुए कई यूजर्स ने इसे लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला करार दिया। ट्विटर पर तनिष्क के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है और लोग तनिष्क के गहने ना खरीदने की बात करते हुए इसे बॉयकॉट करने की मांग करने लगे हैं। तनिष्क के इस विज्ञापन के विरोध पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट किया, हिंदुत्व ब्रिगेड ने हिंदू मुस्लिम एकता को खूबसूरती से दिखाने वाले इस एड के चलते तनिष्क का बॉयकॉट करने की मांग की है। अगर हिंदू मुस्लिम के एकत्व से उन्हें इतनी दिक्कत है, तो वह पूरी देश में हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रतीक भारत का बॉयकॉट क्यों नहीं कर देते हैं। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक ने भी इस पर ट्वीट कर बॉयकॉट की मांग करने वाले की आलोचना की है। वहीं कई मशहूर अभिनेता भी ब्रांड के सपोर्ट में आए हैं और ट्रोलर्स के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो जैसा कि आपने देखा, तनिष्क के इस प्रमोशनल वीडियो के आने के बाद से लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इस वीडियो से खुश हैं तो कुछ नाखुश भी नजर आ रहे हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें कमेंट के जरिए दें और बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार?
कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी, छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर, दिखाएंगे हर खबर हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिन्नत टाइम्स, सबसे पहले।